नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके कई बार ये क्वेरी आ रहे हैं कि सर, पेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके कितने दिन बाद आपका जो है वो मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 2018 में हम लोग जब पेट दिए थे तो पेट का जो रिज़ल्ट है वो 1 से 1.5 घंटे में तो आ ही जाता है। वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि आप कितने सेकंड में, कितने मिनट में आपने रनिंग किया है, ठीक है। क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई, ये भी आपको उसमें लिखा मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पासवर्ड डालेंगे तो 4 मिनट 50 सेकंड में आपने दौड़ पूरा किया है या 4 मिनट 8 सेकंड में पूरा किया है। अगर 15 सेकंड से या 15 सेकंड में आप 4 मिनट 15 सेकंड में क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो लिख के आएगा, यू आर क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, 4 मिनट 15 सेकंड से ज़्यादा, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ऐसा लिख के आएगा। वो आपके 2 घंटे में ही आपके रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। मेरा जो भी रिजल्ट था वो भी 2 घंटे में डिक्लेयर हो गया था। हालांकि मैंने देखा नहीं था, मैं घर जाके इत्मीनान से देखा था, क्योंकि मुझे मतलब कि कंफर्म लग ही रहा था कि हो ही जाएगा। दौड़ने के बाद खुद पता चल जाता है कि हो जाता है, होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं ना, आरपीएफ वाले, जीआरपीएफ वाले, तो वो आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे कि हाँ बेटा, बस 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने क्वालिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया है। आप वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उससे भी पूछिएगा, वो लोग भी टाइम देखते रहते हैं, क्योंकि इसमें मज़ा आता है ना कि देखते हैं कि कौन कब क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें वो लोग बता देते हैं, हालांकि वर्बली तौर पे, लेकिन एक्चुअली में पता चलता है 2 1.5 घंटे के बाद। तो ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब बात कर लेते हैं कितना दिन लगता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, उसके बाद पैनल आएंगे कि किनका किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि आपने देखा होगा नोटिस में ही दे रखा है कि मार्च तक ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आपको मैं एश्योर कर दूं कि जो जनवरी में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, और किसी का जाएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्च, सॉरी, फरवरी के फर्स्ट वीक तक जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद कितने दिन के बाद आपका जो है वो जो मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो कम से कम तो आप मान के चलो कि 20 से 25 दिन मिनिमम लगेंगे, क्योंकि वो टाइम बोर्डनेशन के साथ ही ये काम कर रहे हैं। तो 20 से 25, यानी कि आप मार्च के फर्स्ट वीक में आप शुरुआत हो जाएगा आपका कि कॉल करने लगेंगे, और उसी दिन जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसी दिन ही, 1 2 दिन का गैप होता है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था, सब में ऐसा ही लगभग होता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे और डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो वो फिर मेडिकल के लिए आसपास के जो रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज देंगे। और जैसे ही आपका मेडिकल हो गया उसी समय आपको डिक्लेयर बोल देंगे कि आप जाइए, आपका हो गया है। कोई दिक्कत रहेगा तो आपको वहीं पर बता देंगे कि आपका ये दिक्कत है, तो वहाँ पर मेडिकल में आपको पता चल जाता है उसी समय। 1 घंटे के अंदर रिजल्ट निकल जाता है, एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है उसमें, मतलब कि साट देते हैं उसी नोटिस बोर्ड में कि ये लोग पास हो गए हैं। इसी तरीके से हमारा हुआ था अलीपुरद्वार में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। उसी समय जैसे ही मुझे लिस्ट में नाम आया था, 15 लोगों को एक ग्रुप बनाया गया था, 15 लोग में तकरीबन 13 लोगों का, 13 या 12 लोगों का नाम आ गया था, और 3 लोगों को बैक कर लिया गया था, यानी कि रख लिया गया था, और उनको बोला गया था कि आप कल आइए, क्योंकि उनका आँख में कुछ प्रॉब्लम था या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो बाद में पता चला कि उन लोग का भी हो गया है, या उन लोग से फिर बात हुई तो उन लोग का भी नेक्स्ट डे क्लियर हो गया था, क्योंकि वो हायर डॉक्टर आए थे चेक करने के लिए, उनसे ऊँचे पोस्ट के होंगे जो भी होंगे, तो उनको शायद नहीं पता चल रहा होगा, असिस्टेंट डॉक्टर होंगे जो कि हम लोग को चेक किए। और जैसे ही हम लोग का नाम लिस्ट में आया तो उसके बाद अपने आप को रेलवे एम्प्लॉय उसी दिन से मानने लगे। उसके बाद रेल में चढ़े ना तो फील आने लगी कि मैं तो रेलवे एम्प्लॉय हूँ। टीटी आया, टिकट, टिकट तो एकदम से प्राउडली बोले कि सर टिकट तो नहीं है, जो अभी हम रेलवे का मेडिकल दे के आए हैं। टीटी भी समझता है यार कि चलो अब क्या इसको फाइन मारे।
और प्राउडली, हालांकि मैं इलीगल था, हमारे जैसे बहुत सारे लोग इलीगल ही ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि आप पे जब तक रेलवे इम्प्लाई नहीं होते हैं तब तक आप, इवन आपके पास कोई पास ही नहीं है तो फिर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना मेडिकल पास होने के बाद, लगता है कि अब तो बस ज्वाइनिंग लेटर आने का बाकी है, उस अब तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ें हैं, आपको लगेंगे 1 महीने लगेंगे, उसके बाद आप भी मज़े से जितने भी आपने मतलब कि मेहनत की है उसके फल मिलेंगे। तो चीज़ें थोड़ा सा 1 साल तक, तो जब तक आप लोग शादी नहीं करते हो, शादी के 1 साल बाद तक, यानी कि आप मान के चलो कि जॉब लगने के बाद शादी तक और शादी के 1 साल बाद तक ज़िंदगी का मस्त एंजॉय करोगे। उसके बाद मेरी तरह ज़िंदगी हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं, बट हो जाती है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। जॉब लगने के बाद यही होता है कि पहले तो आपको लगेगा कि कुछ नया अचीव कर लिए, समाज, आप जो स्टूडेंट लाइफ है उससे आप जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी में जाएंगे। जिम्मेदारी और जो आपका स्टूडेंट लाइफ है उसके बीच का जो फेज है ना, वो ज़्यादा मतलब कि इंजॉयबल है, क्योंकि ना जिम्मेदारी रहती है और ना ही घर से कोई बर्डन रहता है। पूरा अपना पैसा जो स्टार्टिंग 25-26 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, काट छाट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वेतन तो आपके 27-28 भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, किस तरह के पोस्ट मिलते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। कोई टीए वाला पोस्ट मिल जाएगा तो 7,500, 8,000, 10,000 एक्स्ट्रा बन जाते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वगैरह मिला के। कई कई ग्रुप डी में तो स्टार्टिंग में 33-34 हज़ार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अचानक आपके अकाउंट में आएगी तो आपसे खर्चे नहीं होंगे ऐसे ऐसे, पहले ही स्टार्टिंग में ही 20 हज़ार का मोबाइल खरीदोगे, फिर बाइक खरीदोगे, 1-2 महीना सैलरी, 3 महीना का मतलब कि संजोग के। तो ये सब जो शौक़ होते हैं ना, वो पूरा करने में, पूरा जब होने लगता है ना तो मज़ा आता है। वो अलग बात है कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, चलो 25 हज़ार, 30 हज़ार या 35 हज़ार जो भी मिलते हैं, लेकिन वो अपना जब पहली बार आता है ना तो उसका खुशी ही कुछ और होता है। तो आशा करते हैं जितने भी लोग अभी फिजिकल के लिए जाएंगे उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ जो पहले क्या होता था ना, इसी ट्रैक पे मैं ये दौड़ता था, ट्रैक नहीं है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आउट व्यू। ये नदी है, ये नदी है पूरा, ठीक है, और ये इसका मेड़ है, इसका मेड़ है, नदी के किनारे मेड़ है, और इसी मेड़ पे मैं दौड़ता था। क्योंकि गांव में क्या है ना कि शर्म आती थी फील्ड में दौड़ने में, कहेगा कि यार बीटेक करके दौड़ किस लिए रहा है, ग्रुप डी के लिए। तो मैं पहले ये छुप छुप के इसी अलंग पे दौड़ता था, उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर लगा कि नहीं, फिर अगर ज़िंदगी की बात है तब तो कुछ बेशरम बनना पड़ेगा। तो फिर तकरीबन इस ये आप कह सकते हैं कि अलंग पे दौड़ने के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन इसी अलंग पे दौड़ा था। उसके बाद फिर ग्राउंड में गया और ग्राउंड में तकरीबन 2.5 महीने मेहनत किया। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और ये आप देख रहे हो पीछे भोलेनाथ का मंदिर। अक्सर मैं जब भी घर पे आता हूँ, आज संडे है और मैं घर पे आ गया हूँ, तो ये मंदिर और यहीं मतलब कि थोड़ा सा सुकून मिलती है टहलने में। आप देखो कि चारों तरफ हरियाली है, तो ये चीज़ें आप भी इंजॉय करोगे। वो अलग बात है कि जॉब में जाने के बाद थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी टाइम निकाल लेते हैं, गांव आते हैं तो इस तरीके से घूमने के लिए। और अभी मैं घूम रहा हूँ तो आपको वीडियो के माध्यम से ही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी, अब तो SSC के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ क्लर्क पोस्ट पे, तो लेकिन फिर भी रेलवे का इतना सा अनुभव तो है कि आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। वो अलग बात है कि आपको गाइड लेनी है या नहीं लेनी है, वो आप पे डिपेंड करती है। चलिए ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और देखिएगा ये कलर वगैरह जो है, यहाँ पे काफ़ी ठंडी पड़ती है ना बिहार में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, बने रहेगा चैनल।